गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम गद्य का पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इस कहानी का मैं सारांश मात्र आपको सुना रही हूँ। आप केवल श्रवण के माध्यम से इस कहानी को सुनिए और पूर्ण कहानी जानने के लिए आप इस पाठ का पठन करें। चलिए सारांश सुनते हैं। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे। वहां से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। 2 लोगों को सुबह काम पर जल्दी हाजिर होना था, अतः यह रास्ता लेखक ने और उसके मित्रों ने अपनाया गया। लेकिन जब जो समझदार लोग थे, उन्होंने शाम की बस में जाना का तय नहीं किया। उन्होंने ये सफर मना कर दिया शाम को करने के लिए, पर लेखक और उसके मित्र नहीं माने। बस बहुत बुरी थी, अर्थात पुरानी थी। उन लोगों को तो यह बस पूजा के योग्य लग रही थी, क्योंकि उसकी दशा वृद्ध स्त्री जैसी थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस अच्छी चलती है, और डॉक्टर मित्र ने भी यह कहा कि यह बस अनुभवी है। अनुभवी क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत वृद्ध और बूढ़ी जैसी दिख रही थी, टूटी फूटी थी। तो इसलिए उस मित्र ने कहा कि अनुभवी है, क्योंकि वृद्ध लोग ज्यादा अनुभवी होते हैं, उनका जीवन ज्यादा जिया हुआ होता है, इसलिए ऐसा कहा गया। और हमें अपने बेटों की तरह गोद में ले जाकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। इसलिए सोच रहे थे, क्योंकि बस की हालत बहुत गंभीर थी। बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के ज्यादातर शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे ही हो। बस के सभी हिस्से आवाज कर रहे थे, खड़ खड़ की आवाज कर रहे थे। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस बस पर बिल्कुल भी विश्वास न था, भरोसा नहीं था कि वो आगे चलेगी। उसे डर था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। बस फिर रुक गई। उसका इंजन ठीक किया गया तो वह बहुत ही धीमी रफ्तार से, अर्थात बहुत धीरे धीरे धीमी गति से चलने लगी। बस जब आगे बढ़ी तो उसका टायर फट गया। रफ्तार कम थी, वरना बस नाले में जा गिरती। बाद में उसमें पुराना टायर लगाया गया, फिर वो आगे बढ़ी। लेखक ने बस के पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने तो सोच ही लिया था, अब हम पन्ना सही टाइम पर नहीं पहुंच सकते, अब हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। सबके बीच हंसी मजाक होने लगी। इस प्रकार लेखक ने और उसके मित्रों ने अपनी हंसी मजाक पूर्ण यात्रा पूर्ण की। बच्चों, इस कहानी का सारांश मैंने आपको बताया है। अब आप PDF में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे अपनी कॉपी में पूर्ण कर इसे गृह कार्य के रूप में करके मुझे अपनी कॉपी चेक करावें। धन्यवाद।